तो फ्रेंड देख सकते हैं अभी करेला जो बन चुका है, अभी बनने के बाद ये अच्छी तरह से, तो फ्रेंड देख सकते हैं अभी ये चटनी, और ये चटनी बन चुका है और बहुत ही टेस्टी है ये चटनी तो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, नमस्ते एंड टच द लाइक। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होगा। तो फ्रेंड आज हम बनाने वाला हूँ करेला का सब्जी। तो वैसे तो कनाडा में आकर एक बार भी करेला सब्जी बनाकर नहीं देखा है, लेकिन आज पहली बार बना रहा हूँ और कैसे होगा पता नहीं हो। तो पहले अरुणाचल में बैठे में बनाता था, लेकिन यहाँ पर आज नहीं बनाए। तो आज स्टार्ट करता हूँ करेला का सब्जी बनाने के लिए। तो सिक्की और डेमा भी यहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि हम मॉर्निंग को नौफिल में गया था और सिक्की के लिए खाने के लिए जूस लेने गया था और उसका बिस्किट लेने गया था, इसलिए हम लोग समय नहीं मिल रहा था जाने के लिए। वैसे तो मंडे नहीं तो ट्यूजडे में जाता, तो आज ट्यूजडे है तो आज गया, तो कल मंडे था तो कल जाने को समय नहीं मिला। तो आज बनाऊंगा मैं करेला का सब्जी। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैं अभी बना रहा हूँ करेला, इसको कहते हैं करेला, पता नहीं ये बहुत तीता होता है, लेकिन मैं इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ कनाडा में आकर मैंने कभी भी इसको नहीं बनाया है और बनाने के लिए समय भी नहीं मिल रहा था। तो कुछ दिन से अभी मैं इसको लेके आया हूँ। तो अभी इसको अंदर में गंदगी होता है, उसको मैंने निकल दिया, पूरा अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद अभी मैं इसको छोटा पीस बनाऊंगा, पीस बनाकर तो फ्राई करेगा। तो देखते हैं आज की ये करेला कैसा होता है। अभी देख सकते हैं अभी मैं प्याज को फ्राई कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं मिर्चा भी फ्राई कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं डाल देता हूँ करेला को। तो फ्रेंड देख सकते हैं अभी करेला जो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, अभी ये कलर इस तरह से हो गया। तो इसका अच्छी तरह से फ्राई करेगा, ड्राई फ्राई करेगा जब तक इसके अंदर पे पानी होता है, पानी को सुखा दूंगा मैं। तो इसके बाद मैं अभी यानी प्याज को काट कर रखा हूँ, इसके बाद ये है अदरक। तो इसको भी मैं बनाता एक चटनी बनाता हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड देख सकते हैं अभी ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा 10-20 मिनट रखना पड़ेगा इसको यहाँ पे गैस को छोटा करके। तो इसके बाद मैंने मिर्चा काट लिया, मिर्चा काटने के बाद ये है प्याज टमाटर काट कर यहाँ पर रखा, इसको मैं चटनी बनाऊंगा। तो फिलर तो ये बनने के बाद अभी तो इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये अच्छी तरह से नहीं पका, इसलिए ढक्कन थोड़ा हल्का से लगा देगा, ढक्कन लगा के रख दो। तो फ्रेंड मैं अभी बना रहा हूँ ये है चटनी, अभी ये चटनी बना रहा हूँ। तो इसके ये चटनी कुछ इस तरह से देख रहा है, इसमें मिर्चा जो लाल था इसलिए अभी इसके अंदर में गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, प्याज दिखाई दे रहा है, इसके बाद तेल दिखाई दे रहा है मुझे, और लेकिन कोई बात नहीं, इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेगा। तो इसके अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद और कुछ डालेगा, वो एक चीज़ है लेकिन सीक्रेट है, नहीं बताऊँगा, बाद में दिखाऊँगा। चलिए धीरे धीरे बनाता हूँ इसको, ये तैयार हो रहा है। तो फ्रेंड देख सकते हैं अभी ये चटनी, और ये चटनी बन चुका है और बहुत ही टेस्टी है ये चटनी। तो ऐसे चटनी तो मैंने 5 स्टार में भी नहीं देखा, और 5 स्टार में देखा बनाने जाने का, वो हमें कुक अच्छा नहीं है ना, शेफ तो अच्छा बनाने नहीं जानता है। तो मैं बना रहा हूँ यानी 5 स्टार से बढ़कर 7 स्टार का यहाँ में चटनी बना दिया। तो देखिए अभी खा कर टेस्ट किया था मैंने, इतना टेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा ही टेस्ट था। तो फ्रेंड देख सकते हैं अभी सिक्की जो जल खा दिया है उसने, मैंने मिर्चिया मिर्ची को कट कर रखा था, लेकिन उसने थोड़ा सा मिर्ची भी खा दी, इसलिए उसको भूख चल रहा है। और इसके बाद वो एप्पल खा रहा है, तो हम लोग दिमागों के काम कर रहे हैं। तो सिक्की हम दोनों अभी बनाता हूँ ब्रेकफास्ट ना, या स्टार्ट करता हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो फ्रेंड आज की जितना मॉर्निंग को काम होना था, ब्रेकफास्ट बना लिया, चटनी बना लिया, और रोटी तो रेडीमेड लेके नान लेके रखा था।
तो सिक्की भी अभी ब्रेकफास्ट खिला दिया उसको, तो ड्यूमा का भी काम खत्म हो चुका है। अभी हम लोग का काम रह गया है लॉन्ड्री करने के लिए, तो मैं थोड़ा बाद में जाकर लॉन्ड्री कर देगा तो काम खत्म होने के बाद, तो सिक्की हम दोनों पार्क में घूमने के लिए जाएगा, क्योंकि घर के अंदर बैठ कर बहुत बोरिंग हो चुका है। तो पीछे देख सकते हैं सिक्की जो कार्टून देख रहा था वो ये देखते हो। तो इसके बाद फिर से डिनर करके सो जाता हूँ। हाँ मजा किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के ब्लॉग आप सभी को पसंद आएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए आप सभी टेक केयर, सी यू।